बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पैसेंजर्स। कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से जो पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर जा रहा है। इस स्पेसशिप का नाम होता है द स्टारशिप एवलॉन और ये स्पेसशिप जा रहा है दूसरे ग्रह पर मानव बस्ती बसाने। ये स्पेसशिप ऑटो पायलट होता है, यानी इसे कोई इंसान नहीं चला रहा, ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। इस स्पेसशिप में 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स होते हैं। तभी अचानक स्पेसशिप अंतरिक्ष में कुछ पत्थर जैसी चीजों से टकराता है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए लाइट चली जाती है। इस स्पेसशिप में जितने भी इंसान होते हैं वो सब स्लीपिंग चैंबर्स में सोए हुए हैं। यहाँ का सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है और टकराव से शिप में जो नुकसान हुआ होता है उसे भी कंप्यूटर अपने आप ही ठीक करते हैं। तभी अचानक एक स्लीपिंग चैंबर खुलता है जिसमें एक लड़का लेटा हुआ है और वो नींद से जाग जाता है। जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है वो देखता है कि उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लड़की है और वो उसका वेलकम करती है। तभी लड़का अपना नाम बताता है, वो बोलता है कि मेरा नाम जिम है और कंप्यूटर की आवाज उसे वहां से उसके केबिन तक का रास्ता बताती है। इसके बाद वो कंप्यूटर वाली लड़की उसे बताती है कि आप स्टारशिप एवलॉन के पैसेंजर हैं और आपने लगभग 120 साल नींद में बिताए हैं और अगले 4 महीनों में हम एक नई दुनिया होमलैंड में पहुंच जाएंगे। तब तक आप यहाँ स्पेसशिप में सफर का लुफ्त उठाएंगे जिसमें अच्छा खाना, मस्ती, नए दोस्त और भी बहुत कुछ होगा। जिम बहुत वक्त बाद उठा होता है इसलिए वो कमजोर महसूस कर रहा होता है। अब नेक्स्ट डे जब जिम रेडी होकर नीचे जाता है तो वो देखता है कि पूरा शिप खाली है और वहां उसके अलावा कोई पैसेंजर नहीं है। इस बात से वो घबरा जाता है और पूरे शिप में यहां वहां भागने लगता है और वो उस कंट्रोल रूम में भी जाने की कोशिश करता है जहां शिप के कैप्टन अपने स्लीपिंग चैंबर में सोए हैं, पर वहां उसे जाने की परमिशन नहीं होती। वो बहुत कोशिश करता है पर दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद वो दोबारा अपने आसपास सब जगह देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। अब वो एक रूम में जाता है जहां एक आवाज आती है और उसे बोलती है कि तारा मंडल में आपका स्वागत है, आप यहाँ क्या देखना चाहते हैं। जिम कंप्यूटर को बताता है कि मैं सिर्फ अकेला ही जगा हुआ हूं, लेकिन कंप्यूटर उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब वो कंप्यूटर से सवाल करता है कि हम अभी कहां हैं। कंप्यूटर उसे बताता है कि अभी हम सफर में हैं और हम आने वाले 90 सालों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये बात सुनकर वो डर जाता है। इसके बाद वो कंप्यूटर से पूछता है कि हम पृथ्वी से कितने टाइम पहले चले थे। कंप्यूटर उसे जवाब देता है कि हम लगभग 30 साल पहले चले थे। दरअसल पहले जिस कंप्यूटर ने उसे ये बताया होता है कि उसे स्लीपिंग चैंबर में सोए हुए 120 साल हो चुके हैं। उसे इसी तरह से प्रोग्राम किया गया था कि जब भी कोई पैसेंजर स्लीपिंग चैंबर से उठे तो वो उन्हें पूरी जानकारी दे और सबको उठना 120 साल बाद था, इसीलिए वो कंप्यूटर 120 साल बताता है। अब उसे एहसास होता है कि वो बहुत जल्दी जाग गया जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर वो दोबारा पूरे शिप में देखता है कि शायद उसके अलावा कोई और इंसान हो जो जगा हुआ हो, लेकिन वहां पर कोई और इंसान नहीं होता। फिर वो कंप्यूटर से पूछता है कि उसे पृथ्वी पर मैसेज भेजना है, वो कैसे भेज सकता है। कंप्यूटर उसे मैसेज भेजने का तरीका बताता है और वो मैसेज रिकॉर्ड करता है और बताता है कि मेरे स्लीपिंग चैंबर में कुछ गड़बड़ होने की वजह से मैं बहुत जल्दी जाग गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए वो उनसे हेल्प मांगता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वापस स्लीपिंग चैंबर में कैसे स्लीपिंग मोड में जाया जाता है, और वो बोलता है कि मैं 90 साल पहले जाग चुका हूं, इसके लिए मुझे हेल्प चाहिए, और वो मैसेज भेज देता है। तभी कंप्यूटर उसे बताता है कि आपका मैसेज भेज दिया गया है। ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है। इसके बाद कंप्यूटर उसे बताता है कि ये मैसेज 19 साल में पहुंचेगा और जल्द से जल्द आपको 55 साल में जवाब मिल जाएगा। ये बात सुनकर वो फिर से परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। इसके बाद वो बड़े दुखी मन से स्पेसशिप में दूसरी जगह जा रहा होता है और तभी उसे नीचे हॉल में एक बार दिखाई देता है जहां पर एक बार टेंडर होता है। उसे देखकर उसके दिल में उम्मीद की किरण जागती है और वो खुश होकर उस बार टेंडर के पास पहुंचता है। पास जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट, एक मशीन है। बार टेंडर जो कि एक रोबोट है उससे बात करना शुरू कर देता है, ये बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। जिम उससे पूछता है कि हमें होमस्टे 2 पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। बार टेंडर उसे बताता है कि 90 साल। जिम उसे बोलता है और पैसेंजर्स को कब जागना था। रोबोट बोलता है मंजिल आने से 4 महीने पहले। जिम बोलता है अगर अभी 90 साल बाकी है तो मैं यहाँ कैसे बैठा हूँ। ये बात सुनकर रोबोट सोच में पड़ जाता है और वो उसे कहता है कि आपको तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद जिम वहां से चला जाता है और अगले दिन वो एक टेक्निकल रूम में जाता है क्योंकि वो एक इंजीनियर है। अब वो वहां से स्लीपिंग चैंबर के बारे में कुछ नॉलेज लेता है और वापस अपने स्लीपिंग चैंबर में जाकर लेट जाता है। उसे लगता है कि शायद उसे अब नींद आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो उसमें फंस जाता है और फिर बहुत मुश्किल से वो स्लीपिंग चैंबर से बाहर निकल पाता है।
अगर स्लीपिंग चैम्बर नहीं खुलता तो दम घुटने से उसकी वही मौत हो जाती। जिम को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो 90 सालों तक अकेला इस शिप में क्या करेगा। इसीलिए वो उस रूम में जाने की कोशिश करता है जहां पर शिप का कैप्टन और बाकी का क्रू होता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वहां का दरवाजा नहीं खुलता और जिम निराश हो जाता है। फिर शाम को वो वापस बारटेंडर के पास जाकर विस्की पीने लगता है और उसे कहता है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं वापस स्लीपिंग चैम्बर में जा सकूं। रोबोट उसे बोलता है कि आप वहां नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, इसलिए आप जहां हैं उसी पल को जीना सीख लें। जिम उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता है और वो वहां से चला जाता है। वहां से वो स्पेसशिप के स्वीट रूम में जाता है क्योंकि उसका रूम बहुत ही नॉर्मल होता है। और जब वो स्वीट रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो रूम बहुत आलिशान होता है। जिम को उस रूम को देखकर बहुत खुशी होती है और वो रोबोट की बात को ध्यान में रखते हुए जिंदगी जैसी चल रही होती है वो उसी में जीने की और खुश रहने की कोशिश करने लगता है। और उसे वहां इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। जिम की दाढ़ी और बाल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। जिम की तमाम कोशिशों के बाद भी उसे कुछ ठीक नहीं लगता, वो उदास रहता है। एक दिन जिम शराब पीते हुए उस रूम में जाता है जहां सारे लोग स्लीपिंग चैम्बर्स में सोए हुए होते हैं और वो सबको देखकर बहुत ही उदास और परेशान हो जाता है और उसे महसूस होता है कि वो इस तरह जिंदगी को अकेले नहीं जी सकता। वो सोचता है कि वो बिना सुरक्षा सूट पहने हुए स्पेसशिप से बाहर निकल जाएगा और अपनी जान दे देगा। वो उस गेट पर जाता है जहां से स्पेसशिप का मेन डोर खुलता है। अब वो स्विच ऑन करके बाहर निकलने का मन बना चुका है पर वो स्विच ऑन नहीं कर पाता, वो हिम्मत खो देता है। इसके बाद वो भागता हुआ अंदर की ओर जाता है। तभी उसका पैर शराब की बोतल से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। और जैसे वो उठकर खड़ा होता है तो उसके सामने के स्लीपिंग चैम्बर में एक लड़की सोई हुई होती है। वो उसके पास जाकर उसके चैम्बर से कुछ जानकारी निकालता है। जिम उसे पसंद करने लगता है और अगली सुबह अपनी कॉफी और नाश्ता लेकर उसी चैम्बर में आकर उस लड़की के पास बैठ जाता है और उस सोई हुई लड़की से बातें करने लगता है। जिम के मन में कुछ चल रहा होता है और वो बार जो कि एक रोबोट है उसके पास जाता है और उसे बताता है कि वो उस लड़की को पसंद करता है जिसका नाम अरोरा है और वो उसे जगाना चाहता है। जिम जानता है कि ये बहुत गलत होगा लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो किसी भी तरह अपने अकेलेपन से बचना चाहता है। यही सोचते सोचते कई महीने बीत जाते हैं लेकिन जिम फैसला नहीं ले पाता कि उसे क्या करना चाहिए, उसे उस लड़की को नींद से जगाना चाहिए कि नहीं। और कई महीनों तक यही बात सोचने के बाद आखिर एक दिन जिम फैसला कर ही लेता है और वो कुछ सामान लेकर उस लड़की के स्लीपिंग चैम्बर के पास पहुंचता है और उसके सिस्टम में कुछ खराबी कर देता है जिससे वो लड़की उठ जाती है। लेकिन उसके उठने से पहले ही जिम वहां से चुपचाप चला जाता है। अब जिम घबरा जाता है, वो सोचता है कि उसने जो किया क्या वो ठीक था। इसके बाद जिम अपने दिमाग को शांत करके वापस नीचे आता है और वो देखता है कि वो लड़की यहां वहां घूम रही होती है और आवाज दे रही होती है, क्या कोई यहां पर है। और तभी जिम उसके सामने आ जाता है। अरोरा उसे पूछते हैं कि आप मुसाफिर हैं या क्रू मेंबर। जिम उसे बताता है कि वो एक मुसाफिर है और उसका नाम जिम है। अरोरा उससे पूछती है कि क्या आपको पता है कि यहां क्या हो रहा है, क्योंकि बाकी के सारे लोग स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे हैं। वो कहता है कि मेरे साथ भी यही हुआ था और उसे नहीं पता कि क्यों उसकी नींद वक्त से पहले टूट गई। और इसके बाद अरोरा को पता चलता है कि उन्हें मंजिल तक पहुंचने में अभी 89 साल लगेंगे। वो जिम से पूछती है कि आपको जगे हुए कितना वक्त हो गया। जिम बोलता है 1 साल और 3 हफ्ते। ये सब सुनकर अरोरा घबरा जाती है और वो अपने स्लीपिंग चैम्बर की ओर भागती है क्योंकि वो दोबारा सोना चाहती है। जिम बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये चैम्बर हमें सुला नहीं सकता, उसके लिए हमें खास प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा जैसे पृथ्वी में हुआ था। और जिम उसे शांत करता है। इसके बाद अरोरा अपने कैबिन में सोने चली जाती है क्योंकि वो जागने के बाद बहुत ही कमजोर महसूस कर रही होती है। अगले दिन अरोरा उठती है और वो कंप्यूटर के पास जानने की कोशिश करती है कि दोबारा स्लीपिंग चैम्बर में सोने का कोई तो रास्ता होगा, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी जिम वहां पहुंच जाता है और वो दोनों नाश्ता करने जाते हैं। यहां ये दोनों बातें करते हैं। अरोरा उससे बोलते हैं कि शायद कोई और रास्ता हो जिससे हम वापस अपनी नींद में चले जाएं। जिम 1 साल से सारी चीजें ट्राई कर चुका होता है और वो उसे बताता है कि वो सब कुछ ट्राई कर चुका है। और अरोरा ये कहकर वहां से चली जाती है कि वो हार नहीं मान सकती। अरोरा एक राइटर होती है इसीलिए वो किताब लिखना शुरू करती है जिसमें वो जागने के बाद की सारी बातें लिखती है। दूसरी तरफ जिम बारटेंडर के पास जाता है और उसे कहता है कि ये बात को अपने तक ही रखे कि उसने अरोरा को जगाया है। बारटेंडर उसे बताता है कि वो एक रोबोट जरूर है पर वो एक जेंटलमैन है और वो उसे कभी नहीं बताएगा। इसके बाद वो दोनों हर रोज यही कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कैसे अपनी नींद में जा सकें, पर उनकी सारी कोशिश बेकार जाती है। और एक दिन अरोरा उसे कहती है कि अब हमें अपनी किस्मत को, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, उसे अपना लेना चाहिए। और वो धीरे धीरे अपनी उसी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करने लगते हैं। अरोरा और जिम की फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों एक साथ डांस करते हैं, गेम्स खेलते हैं, खाना खाते हैं और ड्रिंक्स भी पीते हैं। अब जिम को अरोरा से प्यार हो जाता है।
एक दिन वो एक छोटी सी मशीन बनाता है और उस मशीन के जरिए ऑरोरा को मैसेज पहुंचाता है कि वो उसे डेट पर ले जाना चाहता है और ऑरोरा भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। फिर इवनिंग में जिम रेडी होकर ऑरोरा के रूम में आता है और वो उसे लेकर बार में जाता है और रोबोट उन दोनों की तारीफ करता है और वहां से ड्रिंक करने के बाद वो दोनों डिनर करते हैं और उसके बाद जिम उसे वहां लेकर जाता है जहां पर वो सूट होता है जिसे पहनकर वो शिप से बाहर अंतरिक्ष में गया था और वो ऑरोरा को भी अंतरिक्ष की सैर करवाता है और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ टाइम और बीतता है और ऑरोरा का बर्थडे आ जाता है। जिम उसके बर्थडे पर बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि आज उसे रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज कर लेगा और वो दोनों बाहर जाते हैं। ऑरोरा, जिम और रोबोट आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जिम वॉशरूम जाता है और वो वहां अपनी रिंग देख रहा होता है जो वो ऑरोरा को पहनाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बार में ड्रिंक पीते हुए ऑरोरा बोलती है एक बेहतरीन बर्थडे ड्रिंक। रोबोट उससे बोलता है मुझे एक साल पहले का आज ही का दिन याद आ रहा है जब जिम आपसे मिलने के लिए बेताब था। ऑरोरा बोलते क्या वो मुझसे मिलने के लिए कैसे बेताब हो सकता है क्योंकि वो तो उसे पहले जानता ही नहीं था। रोबोट उसे बताता है कि जिम कई महीनों तक सोचता रहा कि वो तुम्हें उठाए कि नहीं और आखिरकार उसने तुम्हें उठाई दिया और अब सब कुछ ठीक चल रहा है। ये बात सुनकर ऑरोरा शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोबोट ये बात ऑरोरा को इसलिए बता देता है क्योंकि कुछ देर पहले जिम ने कहा होता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं छुपा। तभी जिम वहां जाता है, ऑरोरा उससे पूछते क्या तुमने मुझे जगाया और जिम समझ जाता है कि रोबोट ने उसे सब कुछ बता दिया। जिम बोलते हाँ मैंने तुम्हें जगाया था और वो उसके करीब आने लगता है। ऑरोरा बोलते कि दूर रहो मुझसे। ऑरोरा पूरी तरह से टूट जाती है। यहां जिम के साथ उसने अपनी एक नई दुनिया बना ली थी और वो दुनिया एक पल में टूट गई क्योंकि जिम ने उसके साथ बहुत गलत किया होता है। वो बड़बड़ाने लगती है कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है और ये बोलते बोलते वो अपने कैबिन में चली जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ जिम भी बहुत परेशान और दुखी हो जाता है और एक लंबा टाइम बीत जाता है और इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती। फिर एक दिन ऑरोरा उस जगह पर जाती है जहां जिम ने एक पेड़ और छोटे छोटे पौधे लगाए होते हैं। ऑरोरा बहुत दुखी और परेशान है, फिर वो वहां से चली जाती है और तभी अचानक वहां किसी आदमी के बोलने की आवाज आती है और वो उसी पेड़ के पास खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मेरे शिप में ये पेड़ किसने लगाया। और ऑरोरा और जिम दोनों भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं। फिर ये दोनों बताते हैं कि हम दोनों वक्त से पहले जाग गए। इस आदमी का भी स्लीपिंग चैम्बर खराब हो गया होता है जिसकी वजह से ये भी वक्त से पहले जाग गया होता है और ये इस शिप का कैप्टन होता है और ये डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर चेक करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ये अपनी आईडी से हर जगह जा सकता है, सारी चीजें चेक कर सकता है और सारे स्लीपिंग चैम्बर्स चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि जिम का और उसका स्लीपिंग चैम्बर खराब हुआ था लेकिन ऑरोरा का स्लीपिंग चैम्बर खराब किया गया था। और वो जिम से पूछता है क्या तुमने उसे जगाया। जिम बोलता है हाँ। कैप्टन बोलता है क्या उसे पता है। जिम बोलता है हाँ उसे पता है। इसके बाद कैप्टन पूरी कोशिश करता है कि वापस से सब कुछ ठीक कर ले लेकिन वो एक लंबी नींद के बाद उठा होता है इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं होती और वो सोने चला जाता है। और उसी रात शिप की ग्रेविटी भी ऑफ हो जाती है जिसकी वजह से वहां सब कुछ उड़ने लगता है और ग्रेविटी ऑफ होने की वजह से ऑरोरा की जान जाने वाली थी क्योंकि उस वक्त वो स्विमिंग पूल में होती है और पूल का सारा पानी हवा में उड़ जाता है और वो उस पानी के अंदर होती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन पानी से बाहर नहीं आ पा रही होती पर तभी ग्रेविटी ऑन हो जाती है और वो बच जाती है। अगले दिन वो सारे फिर से स्पेसशिप चेक करते हैं और चेक करने के बाद पता चलता है कि ये सब 2 साल पहले किसी चीज के टकराव से हुआ था जिसकी वजह से जिम जाग गया होता है और अब खराबी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे यहां पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब जाग जाएंगे और मंजिल पर पहुंचने से पहले सबकी मौत हो जाएगी। तभी कैप्टन बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और ये देखकर ऑरोरा और जिम बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे डिस्पेंसरी यानी कि मेडिकल रूम में ले जाते हैं जहां पर कंप्यूटर उसकी बॉडी का चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद कंप्यूटर उन्हें बताता है कि उसके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। इस बात से जिम और ऑरोरा बहुत परेशान हो जाते हैं और मरने से पहले कैप्टन उन्हें अपनी आईडी देते हैं और बोलते हैं कि इस आईडी से तुम किसी भी रूम में जा सकते हो, यहां जो भी खराबी है उसका पता लगाओ और उसे ठीक करो। और वो दोनों से ये भी कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब तक इन लोगों को काफी सारी चीजों का पता चल चुका है कि स्पेसशिप में कुछ तो खराबी है और अब ये दोनों खराबी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि शिप का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है और जब वो अच्छे से चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिप में होल हो चुका है और उनके पास एक ही रास्ता होता है कि शिप के बाहर से जाकर उन्हें मेन डोर खोलना होगा और अंदर बन रही सारी हीट को बाहर निकालना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो शिप कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगा और जो 5000 मुसाफिर और क्रू मेंबर्स हैं वो सब मर जाएंगे। और इसके साथ साथ शिप की मशीनें भी खराब होना शुरू हो जाती हैं, यहां तक कि बारटेंडर जो कि एक रोबोट होता है वो चीजों को तोड़ने लगता है
और फिर जिम उसकी बैटरी निकालकर उसे ऑफ कर देता है। अब जिम एक फैसला करता है कि वो किसी भी हाल में बाहर से जाके दरवाजे को खोल देगा। हालांकि जिम जानता है कि शायद वो अब बचे ही नहीं, क्योंकि दरवाजा खुलते ही इतनी हीट बाहर आएगी जिससे लोहा भी पिघल जाए। अब वो अपना स्पेस सूट पहनता है और बाहर जाने लगता है। ऑरोरा उसे बोलते है कि तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हारे बिना मैं शिप पर अकेली नहीं रह सकती, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जिम उसकी बात सुनकर वहां से चला जाता है, और जैसे वो मेन डोर पे पहुंचता है, ऑरोरा अंदर से स्विच ऑन कर देती है और स्पेसशिप का मेन डोर खुल जाता है। और जैसे ही मेन डोर खुलता है, उसमें से मानो ज्वालामुखी की तरह आग की लपटें बाहर निकलती है। पर जिम अपने साथ एक ऐसी मेटल की शीट ले गया होता है जिसे आग पिघला नहीं सकती, और वो खुद को उस शीट से बचा के रखता है। जैसे ही सारी आग बाहर निकल जाती है तो दरवाजा बंद हो जाता है और वो बहुत तेज प्रेशर से बाहर की तरफ जाने लगता है, और इतने तेज प्रेशर की वजह से उसकी सुरक्षा बेल्ट टूट जाती है जो उसे शिप से अटैच करके रखती है, और उसके सूट में छेद भी हो जाता है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो बेहोश होने लगता है। और अब जिम एक तिनके की तरह अंतरिक्ष में उड़ रहा होता है। जिम ऑरोरा को बताता है कि वो अब अंदर नहीं आ सकता, उसकी सुरक्षा बेल्ट टूट चुकी है। ये बात सुनते ही ऑरोरा अपना स्पेस सूट पहनती है और बाहर जाकर उसे अंदर लाने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाली होती है, तभी ऑरोरा की सूट की जो बेल्ट होती है उसे वापस खींच लेती है और जिम उससे काफी दूर चला जाता है। तभी अचानक जिम की जो बेल्ट होती है, जो टूटी हुई होती है, वो ऑरोरा को दिखाई देती है और वो उस बेल्ट को पकड़ लेती है, और उस बेल्ट के सहारे वो जिम को स्पेसशिप के अंदर खींच लेती है। और जब वो उसका सूट उतारती है तो वो देखती है कि उसके चेहरे का हाल बुरा हो चुका है और शायद अब वो सांस भी नहीं ले रहा होता। ऑरोरा उसे डिस्पेंसरी में ले जाकर मशीन के अंदर रखती है, और जब उसका चेकअप होता है तो मशीन ये बताती है कि अब ये नहीं रहा, ये मर चुका है। ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और मशीन को ऑर्डर देती है कि उसका सारा ट्रीटमेंट एक साथ शुरू किया जाए, पर कंप्यूटर इस बात से मना कर देती है। लेकिन वो कैप्टन की आईडी उसमें डालती है और उसे फिर से ऑर्डर देती है। तभी कंप्यूटर एक साथ सारे ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और जिम की सांस वापस आ जाती है। ये देखकर ऑरोरा खुशी के मारे रोने लगती है और जिम को किस करती है, और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि जब वो शिप में अकेला था तो उस समय जिम को कैसा फील होता होगा। इसके बाद वो अपने सारे झगड़े खत्म कर देती है और जल्दी जिम भी ठीक हो जाता है। फिर जिम ऑरोरा को एक जगह लेकर जाता है जहां पर वो एक मशीन बना रहा होता है, और वो एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लेता है जिससे इंसान वापस स्लीपिंग मोड में जा सकता है। वो ऑरोरा को बताता है कि अब अगर तुम चाहो तो वापस लंबी नींद में जा सकती हो, लेकिन अब ऑरोरा को उससे प्यार हो चुका है और वो कहती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जीने लगते हैं। और एक शाम को जिम ऑरोरा को वो रिंग देता है जो उसे वो उसके बर्थडे के दिन देना चाहता है, और ऑरोरा भी खुशी खुशी उस रिंग को पहन लेती है, और यहाँ से वो दोनों अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वहीं शिप पर ऑरोरा एक किताब भी लिख रही होती है जिसमें वो अपने इस पूरे सफर के दौरान जो जो घटा होता है सब कुछ लिखती है। और धीरे धीरे 88 साल बीत जाते हैं और अब शिप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है। और जब शिप का क्रू उठता है और वो जैसी बाहर आता है तो वो उस जगह को देखते हैं। वहां पर काफी सारे पेड़ होते हैं, मानो जैसे कोई जंगल हो, और वहां के लोग उस किताब को ही पढ़ते हैं जो ऑरोरा ने लिखी होती है। और उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर जब आप सब एक लंबी और गहरी नींद में थे तो यहाँ पर बहुत कुछ घटा था, और हमने अपनी पूरी जिंदगी बहुत खूबसूरती के साथ यहीं पे जी ली। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।